यूट्यूब चैनल GMM न्यूज़ पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं कि हुकूमत ने कुछ दफातर को इतवार को भी खुले रखने का ऐलान किया है। उनमें कौन से दफातर शामिल हैं, क्या पंजाब भर के तमाम दफातर इतवार को खुले रखे जाएंगे या उनमें से कुछ बाज़ दफातर को खुला रखा जाएगा, यही कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। और इतवार को खोले जाने वाले दफातर की टाइमिंग क्या होगी और वहाँ पर किस किस्म की सहूलियात मुयसर होंगी, यही कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल GMM न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। खबर की तफसील के मुताबिक अवामी सहूलत के लिए इतवार को भी जनरल पोस्ट ऑफिस खोलने का फ़ैसला। मुल्तान, बावलपुर, खानवाल, सहवाल, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर में दफातर इतवार को भी खुले रहेंगे। महकमा डाक ने अवाम को पोस्ट ऑफिस की सहूलत से इस्तफादे के लिए इतवार के रोज़ भी जनरल पोस्ट ऑफिस खोलने का फ़ैसला कर लिया। अब इतवार के रोज़ भी अवाम को पोस्ट ऑफिस की तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद इसहाक बलोच, मैनेजर एक्सप्रेस पोस्ट मुल्तान GPO ने जारी करदा अखबारी बयान में किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इतवार के रोज़ मुल्तान GPO और जनूबी पंजाब के दीगर GPOs बहावलपुर, खानवाल, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, विहाड़ी, लिया, डेरगाजी खां के GPOs भी इतवार के रोज़ अवामी खिदमत के लिए खुले रहेंगे और आवाम को रजिस्ट्री, पार्सल बुकिंग, अर्जेंट मेल सर्विस, पर्सनल आर्टिकल, EMS, कैश एंड डिलीवरी, मनी आर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी आर्डर सर्विस, वसूली बिजली, वासा, सुई गैस जैसी तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। दफ्तरी अवकात में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सहूलत मौजूद रहेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि महकमा डाक अवाम को मुवासलात की जदीद तरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान भर के तमाम डाकखानों को डिजिटलाइज करने के लिए भी मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। गैर मुल्की डाक को फौरी तौर पर डिलीवरी करने के लिए SMS सर्विस का भी आगाज़ कर दिया गया है, जिससे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 76 घंटे में डाक की डिलीवरी को यकीनी बनाया गया है। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट कि अवाम को बड़ी सहूलत देने की खातिर हकूमत ने मुख्तलिफ अजला में अवामी सहूलत के पेश नज़र इतवार को भी तमाम तर पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाना जात को खुले रखने का फ़ैसला किया है और इस पर फौरी तौर पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।